हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन है और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई है। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है, दिस इज़ रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 36 पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसी है जो ग्रुप बी का एग्ज़ाम होता है, एंड थ्री एडिशनल पोस्ट फॉर लीगल लॉ ऑफिसर ग्रुप बी के लिए। ठीक है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग जो भी बेसिकली जो पंजाब से हैं उनको इसमें ज़रूर अपीयर होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि क्या ये वैकेंसी के बारे में हमें जानना चाहिए बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म। तो इन्होंने डिटेल में पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, तो हम चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि ज़रूरत है। यहाँ देखिए दिखाया है रिक्रूटमेंट किस चीज़ का है। वन पोस्ट टू द लीगल असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी डेवलपमेंट में। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। एंड देन जो दूसरा है ये बोल रहा है टू पोस्ट है लीगल असिस्टेंट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर। 11 पोस्ट जो है ये भी लीगल, यानी कि ये सारे पोस्ट लीगल असिस्टेंट के लिए ही हैं बट अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। हेड ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। 22 पोस्ट जो है लीगल असिस्टेंट के लिए वो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, और 3 पोस्ट लॉ ऑफिसर्स के हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पे बोल रहा है एक जॉइंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा इन सारे पोस्ट के लिए, एक ही एग्ज़ाम होगा सबके लिए, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एग्ज़ाम तो एक होगा लेकिन फॉर्म जो फिलिंग है ना वो सेपरेट फॉर्म फिलिंग है, सारे पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म फिलिंग है। बिल्कुल भरिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैं बता रही हूँ इस वैकेंसी को आप अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब जो है ये पोस्ट का इंट्रोडक्शन यानी इन्होंने बताया 300 आर्टिकल 315 के अंदर दिया गया है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो इम्पॉर्टेंट था मैंने बाइफर्केशन ऑफ जो है आपकी सीट्स बता दी है। फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और कैटेगरी वाइज कितने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में जो लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है वहाँ जनरल के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, वो टोटल एक पोस्ट जनरल के लिए ही है। दूसरा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला, इसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं। एंड देन जो लीगल असिस्टेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला, उसमें ये टोटल जनरल में 4 सीट्स हैं और बाइफर्केशन यहाँ पे आपको दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है मैं इस वीडियो के बाद अपने टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूँगी, अब वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्री है। एंड दूसरी बात, मैं जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं लॉ रिलेटेड, जितने भी पोस्ट आते हैं, जितनी भी वैकेंसी आती है, ये सारी चीज़ों की अपडेट मैं जो है उस पर डालती रहती हूँ। तो यहाँ से आप ये देख लीजिएगा बाइफर्केशन ऑफ सीट्स कितनी है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी इस वीडियो में क्योंकि आपके वैसे भी एग्ज़ाम हैं, तो आप ये देख लीजिएगा बाइफर्केशन देख लीजिएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया जॉइंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा 36 पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए और 3 पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको पेमेंट कितनी मिलेगी। तो इनिशियल पे जो है 35,400 का है। ठीक है, ये इनिशियल पेमेंट है और इसके एडिशनल में भी आपको मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे दिया गया है कि 3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दिया है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये फिक्स एम्योलमेंट पे होगा, मिनिमम पे के इक्वल में और बिना किसी अलाउंस का होगा, अलाउंस नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है 35,400 इसका पेमेंट है, इनिशियल पेमेंट है, बाद में आपका इंक्रीज़ भी होगा। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप लीगल असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार पे। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो सकते हो, बार का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो है उसमें बोल रहा है एटलीस्ट 2nd क्लास डिग्री होनी चाहिए लॉ के एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, और मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लीगल पोस्ट पे काम करते हुए आपको। ठीक है,
फिर तीसरी पोस्ट जो है लीगल असिस्टेंट जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए है, इसमें सिर्फ आपको लॉ की डिग्री भी होगी और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा, इसमें जो है आपको परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। फिर लीगल असिस्टेंट का पोस्ट जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल में, ठीक है, इसमें जो है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस बार में, तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हर जगह मांग रहा है। लेकिन जो लॉ ऑफिसर का पोस्ट है इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। और किस चीज़ में ऐसे वर्क करने चाहिए, एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट शुड हैव हेल्ड असाइनमेंट इन्वॉल्विंग लीगल वर्क फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये लॉ ऑफिसर के लिए। लॉ असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो है आपका ये आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ दिया गया कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर 29/6/2022, यानी कि 29 जून से पहले पहले तक जो है वो क्वालिफाइड हो जाने चाहिए इन सब चीज़ों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो कट ऑफ डेट भी यहाँ दे दिया गया है और फिर एज है, यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है कि मिनिमम एज लिमिट जो है 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम इज 37 इयर्स ऑफ एज। आप 37 इयर्स से ऊपर होंगे तो एलिजिबल नहीं है। कट ऑफ डेट जो है इसके लिए 1 जनवरी दे रखा है, 1 जनवरी से तक कैलकुलेट किया जाएगा, उसी में डेट दिया जाएगा। प्लस यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है शेड्यूल कास्ट अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब के लिए एज लिमिट में, ठीक है, वो चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ 42 ईयर्स ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास दिया दे रखा है, एंड वुमेन के लिए भी 42 ईयर्स, विडो डिवोर्सी और अदर सर्टन कैटेगरी ऑफ वुमेन्स के लिए भी, ठीक है। अब स्कीम और पैटर्न देख लेते हैं एग्जामिनेशन का। तो ये एक रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा जो इस लीगल असिस्टेंट और लीगल लॉ ऑफिसर के पोस्ट के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 120 के होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा 480 का होगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस के लिए आपका एग्ज़ाम होगा और ये शेड्यूल्ड किया जाएगा जल्द ही, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा आपको पोस्ट की, ठीक है। फिर जो है पैटर्न क्या होगा इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, अब जैसा कि आप देख रहे हैं 120 क्वेश्चन है तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट ए जो सिलेबस का है वो 100 नंबर का होगा और उसका वेटेज होगा 100 क्वेश्चन का होगा, उसका वेटेज होगा 400 नंबर। और दूसरा पार्ट होगा नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब पार्ट बी में आएगा जो कि 20 क्वेश्चंस के होंगे और 80 मार्क्स के वेटेज रखेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका लॉ का होगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट। फिर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम आप देख लीजिए 2 घंटे का होगा। सिलेबस जो है एनेक्सर 8 में दे रखा है, इसके साथ अटैच्ड है तो वो देख लीजिएगा। ओएमआर सीट पे होगा, एग्ज़ाम सेंटर के इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगे, ये सारी चीज़ जो जनरल चीज़ होती है वो सारी चीज़ दे रखी है। फिर फाइनल रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स जो है आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे और रिजर्व कैटेगरी को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे एटलीस्ट एलिजिबल होने के लिए, कि अगर कट ऑफ नीचे भी गया तो मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने ही चाहिए अगर आपका सिलेक्शन होना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखी है। नेशनैलिटी आप इंडिया के हो सकते हो, नेपाल के हो सकते हो, भूटान के हो सकते हो, ठीक है, और टिबेटियन रिफ्यूजी भी हो सकते हो अगर 1 जनवरी 1962 के पहले हो, ठीक है। और जिन्होंने माइग्रेट किया है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन केनिया, युगांडा और जो है तंजानिया से किया है और इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं वो भी, और इंडिया में परमानेंटली सेटल है वो भी एलिजिबल हैं। ऑनलाइन सबमिशन इस वेबसाइट पे होगा, जाके आप देख लीजिए, वेबसाइट का हाइपरलिंक यहाँ पे दे रखा है तो इस लिंक से जाके आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो अपना। लास्ट डेट जो दे रखा है, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का और एडिट करने का वो है 29th of June, एंड जो है लास्ट डेट चालान सबमिट करने का 30 जून है। जनरेटेड चालान बैंक से है तो 7 जुलाई तक आपको टाइम दिया रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग अप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फी बाई यूजिंग प्रिंटआउट सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान, तो ये 8 तारीख। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट डे तक बिल्कुल वेट नहीं कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ये फॉर्म फिल कर दीजिए एंड पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
मैं कहूँगी जो भी पंजाब के हैं एटलीस्ट उनको तो बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, तो बिल्कुल भी आप मिस ना करें। आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ है वहाँ पे, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ये अप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरे जाएंगे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। फिर ठीक है, फिर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया है तो दिस इज़ सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, और जो है नीचे जो है वो इन सारी चीज़ें जो है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा ऑनलाइन अप्लीकेशन के साथ। क्या क्या है देख लीजिए, ये आप लेके रखिएगा अपने पास बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन का प्रूफ ऑफ हैविंग पास पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे फिर से एक जो है स्क्रीनिंग हो गया कि पंजाबी लैंग्वेज जिसको आता है वही एलिजिबल है। रेलिवेंट डिग्री जो है डीएमसी सर्टिफिकेट से चाहिए, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट पंजाब रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए यानी कि आप पंजाब के ही रेसिडेंस होने चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जो भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का हमने जो देखा ऊपर। ठीक है, फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ रिलीज़ या डिस्चार्ज क्या है, रीज़न ऑफ रिलीज़ और डिस्चार्ज जो भी है ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ देना होगा, इस रिलैक्सेशन के लिए फी कंसेशन के लिए भी प्रूफ देना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका भी प्रूफ देना होगा और कॉपी ऑफ बैंक चलान भी देना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा बिफोर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई वो है कि फीस कितना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस कितने हैं। तो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइव और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ऑनलाइन चार्जेस है ये हैं टोटल 750 और एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली का है 500। ठीक है, ये फीस है, ये जो है आपकी फ़ीस है। फिर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं इनके भी 500 हैं और जो अदर कैटेगरी हो गए यानी कि जनरल कैटेगरी भी इंक्लूड तो वो उनके कितने फीस है 1500 यानी कि 1500 रुपये। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। अब एक चीज़ है जो जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ क्योंकि एक एक चीज़ इन्होंने डिटेलिंग में दे रखी है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बना के दे रखा है जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ देखिए अब इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दे रखा है कैंडिडेट के हेल्प के लिए, कैसे इनको चलान जो है चलान डालना है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डाल के कैसे पूरा इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके बताया है। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये जो है ये देखिए पूरा इन्होंने डिटेल में कैसे चलान को डालना है ये सारी चीज़ें बता दी है, तो ये आपको मदद करेगा। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी तो आप जाके ये बिल्कुल चेक कर लीजिएगा ये जो PDF है। तो मुझे लगता है मैंने सारी ही इन्फॉर्मेशन जो भी थी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जाननी चाहिए, जो भी आपको डिसाइड करनी चाहिए वो आपको बता दी है। यहाँ एक चीज़ देख लीजिए बस, सेलेक्शन ऑफ कैटेगरी के बारे में बोल रहा है, तो कैटेगरी एक बार सेलेक्ट हो गया वो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो आप ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, बिल्कुल भी जो है ऐसी हड़बड़ी में मत भरिएगा, आराम से बैठ के हर चीज़ पढ़ने के बाद भरिएगा। बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन में मैंने कवर कर ली है, और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस PDF को। एंड दिस आई थिंक दिस इज़ ऑल टू डिसाइड यू वेदर यू कैन सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। और अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड भी हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें एंड गो फॉर इट। So all the best. This is all for this video. I'm signing off today's session. Thank you.